नाम निधान ध्याय मस्तक होवे भाग कारज सब सवारिय गुर की चरणी लाग हम रोग भ्रम कटिए ना आवे न जाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निधान खजाने को कहा है, नाम का खजाना उसे प्राप्त होता है जिसके मस्तक में बड़े भाग हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बड़े भाग कैसे बने? कार्य सब सवारिय गुरु की चरणी लाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरण पकड़ ले। गुरु के चरण क्या है? सतसंगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की संगत गुरु के चरण है, सतसंगत गुरु के चरण धूड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के वचन मानना गुरु के चरण धूड़ अपने माथे पे लगाने के बराबर है। फिर क्या होगा? होम रोग भ्रम कटिए ना आवे ना जाग। तेरे अहंकार का रोग खत्म हो जाएगा, तेरे भ्रम खत्म हो जाएंगे और क्या होगा, तेरा जन्म मरण भी खत्म हो जाएगा, ना आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर संगत तू साधु की, साध की 68 तीर्थ नाओ। जीव प्राण मन तन हरे साचा एहु सुआओ। क्या होगा साधु की संगत से? तेरा जी, तेरे प्राण, तेरा मन, तेरा तन हरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जो आत्मिक मौत हो चुकी है हमारी, साधु की संगत करने से वो आत्मा जाग उठेगी, जी उठेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करे कराए आप प्रभु सब कुछ तिस ही हाथ, मार आपे जीवाल दा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभु शरणागति सर्व कटाके नाथ। सर्व कटाके नाथ सिंपल पंक्तियां हैं, सिंपल अर्थ हैं कि वही मारता है वही रखता है, उसकी शरण ग्रहण कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज अरदास करके हमें बताने कि मैं नानक की शरण मांगता हूँ, हमें गुरु नानक की शरण चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में यहाँ पर अगर वाणी के स्टीक अर्थ करने हो तो नानक जहाँ पर आता है वहाँ पर विनम्रता का भाव है। गुरु नानक पाशा शरण मांग रहे हैं प्रभु के, पर हम ये कैसे कहें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लिए तो गुरु नानक ही प्रभु है, तो हम शरण मांगते हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरण क्यों? ताकि साधु की संगत मिल जाए। साधु की संगत के बिना चाहे कितना भी कोई ज्ञानी हो, चाहे कितना भी कोई कमाई वाला हो, अगर पूर्ण साधु की संगत नहीं है एक दिन सब कुछ गवा बैठेगा, ये गारंटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु की संगत, अगर साधु का हाथ सर पर है ना तो गलत रास्ते पर जाने ही नहीं देते, खींच लेते हैं वापस सर पे हाथ रख के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन भटकने नहीं देते, नजर रहती है उनके। बाबा नंद सिंह जी के वचन है और महापुरुष दास को कहा करते थे और मेरे सामने कई सत्संगियों को कहा करते थे, कहते थे जो हमारे हुक्म में रहता है ना, जो हमारे हुक्म में रह के काम करता है या जो भी नित्यनियम हमने कहा नित्यनियम करो वो करता है, हमारी जिम्मेदारी आ जाती है उसकी रक्षा करने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नज़र में वो रहता है और साधु की नज़र में आना इससे बड़ी क्या बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है कि हम उन्हें याद करते हैं, उनके ख्याल में रहना, और ख्याल में रहने का तरीका क्या है कि उनके वचन मान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक घटना याद आती है मुझे, किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, किसी की माता की, बहुत करीबी सत्संगी था। अब जो करीबी सत्संगी होते हैं ना वो समझदार होते हैं, कई लोग बहुत समझदार होते हैं कि महापुरुषों को तकलीफ नहीं देनी, उनका समय व्यर्थ नहीं करना आके बताने की डेथ हो गई है फलाना। बस सेवादार से कह दिया
कि उनके उनके कान में बस बात डाल देना, वो सुन ले बस कि ऐसा हुआ है, उनकी नजर में आ गई बात, मेरा काम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें पता चल गया क्योंकि परिवार है, क्योंकि उनकी नज़र में वो है, उन्हें पता चल गया तकलीफ में है, कोई दुख है, उनकी नज़र में ही आ गया ठीक हो जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को ताकत बख्श देनी है उन्होंने, जिस प्रकार का भी हो काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर संगत तो साध की, अठ सठ तीरथ नाओ, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। लाख बार स्नान कर ले तेरा हृदय शुद्ध नहीं होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कर संगत तू साध की, अठ सठ तीर्थ नाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली तीर्थ ये है साधु की संगत, ये कर ले। मानो तूने अठ सठ तीर्थों का स्नान कर लिया, तेरे मन की मैल जो भीतर तीर्थ है वहाँ पर तेरा स्नान हो गया, नाम के तीर्थ में, नाम के अमृत के तीर्थ में, और तेरा हृदय शुद्ध हो ही जाएगा। इस बात की गारंटी दे रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।